शेयर बाजार में भारी गिरावट ही इस समय की सबसे बड़ी खबर है। 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद से लगातार शेयर गिर रहे हैं, लेकिन आज की गिरावट दुनिया के बाजारों में आई गिरावट के कारण हुई है। सेंसेक्स खुलते ही करीब 1200 अंक गिरा है। अमेरिकी बाजार में ब्याज दर बढ़ने की वजह से वहां पर गिरावट देखी गई है और सेंसेक्स में 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें, 1 फरवरी जब से बजट आया है, बजट के कुछ ऐलान और इसके साथ ही आज की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति को देखते हुए भारतीय बाजार में गिरावट का ट्रेंड लगातार दिख रहा है। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने की खबर से दुनिया भर के बाजारों पर असर पड़ा है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट का भारतीय शेयर बाजार पर असर पड़ा है। सेंसेक्स करीब 1200 अंक नीचे खुला है, जिसे कि भारी गिरावट के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय बाजार की गिरने की बड़ी वजह यह भी बताया जा रहा है कि विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं और साथ ही बजट में 1 फरवरी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाने का जो ऐलान किया गया था, उसके बाद से शेयर बाजार में गिरावट है। सेंसेक्स करीब 1200 अंक नीचे खुला है। दो तस्वीरें आपके सामने, अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है। भारतीय बाजार आज खुले हैं गिरावट के साथ, फिर शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। भारत के लिहाज से इसीलिए भी चिंता की बात है क्योंकि बजट आने के बाद से ही लगातार शेयर बाजार में भारत के गिरावट दर्ज की जा रही है। बड़ा कारण क्या है जिस वजह से शेयर बाजारों में ये गिरावट दर्ज की जा रही है, जानने के लिए सीधे आपको न्यूज रूम लेकर चलते हैं अमांत्रा के पास। बिल्कुल नेहा, आज सुबह सुबह भी भारी गिरावट के साथ बाजार खुले हैं। भारतीय बाजार में करीब 1200 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली है। इसकी वजह क्या है वो अपने दर्शकों को बताते हैं, आखिर क्यों ये गिरावट देखने को मिल रही है शेयर बाजार में। अमेरिकी बाजारों में 6 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली कल, 2011 के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखी गई डाउ जोन्स में। अमेरिका में ब्याज बढ़ने से FII पैसे निकाल रहे हैं, ये बिकवाली हो रही है और इसी वजह से गिर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स। अमेरिका में ब्याज 1% 3% होने की चर्चा है। आपको बता दें 1% हो गया है, पहले 0.5% होता था और अब यह 3% हो सकता है। यह चर्चा है, कम ब्याज पर पैसा उधार लेकर शेयर खरीदने का चलन रहा है और इसी वजह से शेयर बाजार लगातार गिर रहा है क्योंकि ब्याज महंगा हो गया है और शेयर खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे कम हो गए हैं और उस सब का असर देखने को मिल रहा है शेयर बाजार पर। अमेरिका में गिरावट का असर जापान कोरिया में भी, तो वॉल स्ट्रीट ही नहीं, जापान और कोरिया में भी शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। ऐसा माना गया शेयर कमाई पर टैक्स बढ़ने से गिरावट, जो भारत में गिरावट देखी गई उसका जो वजह है ये मानी जा रही है। शेयर कमाई पर जो टैक्स लगाया गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जिसकी वापसी हुई इस बजट में, विदेशी बाजार के कारण भारत में गिरावट। सरकार ने लेकिन ये कहा है कि विदेशी बाजार के कारण भारत में गिरावट देखने को मिली है। सरकार ये नहीं मान रही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जिसकी वापसी इस बजट में हुई, उसके चलते शेयर बाजार गिरा है। विदेशी कारणों से, विदेशी बाजार के असर के चलते भारतीय स्टॉक मार्केट्स पर यह असर देखने को मिल रहा है। कल RBI ब्याज दरों की समीक्षा करेगा, उससे पहले आज शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। कल का दिन बहुत अहम है, बजट के बाद सेंसेक्स 2800 पॉइंट्स गिर चुका है। ये ट्रेंड लगातार चल रहा है बजट के आने के बाद से ही और सबसे ज्यादा गिरावट आपको बता दें बजट के ठीक अगले दिन 2 फरवरी को देखने को मिली थी। सेंसेक्स 2800 पॉइंट्स बजट के आने के बाद से गिर चुका है। बजट के बाद से आपको बता दें ये चौथा कारोबारी दिन है आज जिसमें ये लगातार गिरावट देखने को मिली है। आज भी बड़ी गिरावट के साथ सेंसेक्स खुला, 1200 पॉइंट्स की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली। बजट के अगले दिन से ही ये भारी गिरावट का ट्रेंड बरकरार है, अमेरिकी बाजार का असर इसे माना जा रहा है। बजट के बाद से कितना नुकसान ये भी आप देख लीजिए। टाटा मोटर्स 31 जनवरी को कितना आपको नुकसान हुआ 31 जनवरी से लेकर अब तक, वो हम आपको बता रहे हैं। 31 तारीख को 400 रुपए का एक शेयर था टाटा मोटर्स का और अब इसकी कीमत 368 हो गई है, यानी 100 शेयर की कीमत अगर 40,000 थी 31 जनवरी को तो अब ये कीमत गिरकर 36,800 रुपए हो गई है, यानी करीब करीब आपको 3,500 का, 3200 रुपए का नुकसान यहां पर हुआ है। टाटा मोटर्स के शेयर के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कितना नुकसान हुआ है। इंफोसिस की बात करते हैं, 31 जनवरी को एक शेयर की कीमत 1159 थी, यानी 100 शेयरों की कीमत 1,15,900 इसकी कीमत थी, जो अब अगर हम देखें गिरावट के बाद
कितनी कम हो गई है, देखिए 1,11,900 हो गई है। तो यहाँ भी आपको हुआ है भारी नुकसान। इंफोसिस के शेयर के जरिए हम आपको बता रहे हैं कितना नुकसान हुआ है, 31 जनवरी को क्या कीमत थी और आज क्या कीमत है। और सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, रिलायंस का भी आप देख लीजिए 950 रुपए का एक शेयर था 31 मार्च से पहले का, हम आपको ये बता रहे हैं 100 शेयरों की कीमत 95,000। और अब अगर हम देखें 882 रुपए 100 शेयरों की कीमत हो गई है 8,000, माफ कीजिएगा 88,200। तो लगातार गिरावट और इसका असर सीधा छोटे इन्वेस्टर्स पर भी। नेहा शुक्रिया आपका आमांद्रा। तो आमांद्रा ने आपको विस्तार से बताया, अगर शेयरों को भी आप देखें किस तरह से कीमत में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। आर्थिक मामलों के हमारे संपादक शिशिर सिन्हा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शिशिर, भारतीय शेयर बाजार की अगर बात की जाए, बजट में जो घोषणाएं की गई उसकी वजह से गिरावट देख रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो हाल है उसका असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार ज्यादा बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारा जो बाजार है वो एक ग्लोबलाइज बाजार का हिस्सा है। तो अगर किसी भी विदेशी संकेत ऐसे मिलते हैं तो उसका असर पूरे दुनिया भर के शेयर बाजारों में दिखता है। आप चाहे हैंगसेंग को देख लीजिए जो हांगकांग शेयर बाजार का इंडेक्स है, शंघाई का इंडेक्स देख लीजिए, या फिर आप सिंगापुर का इंडेक्स देख लीजिए, हर जगह पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर हम ये कहते कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की वजह से गिरावट हुई है तो विदेशी बाजारों में अलग ट्रेंड होता और भारतीय बाजारों में अलग ट्रेंड होता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एक वजह हो सकता है, लेकिन केवल वही वजह हो वो जरूरी नहीं है। एक और बात कहना चाहूंगा कि इस समय ये भी है कि जो यहाँ पर कीमतें थी वो काफी ऊंचे स्तर पर जा चुकी थी, तो जहां कहीं भी एक मौका मिला है बड़े पैमाने पर विदेशी निवेशक मुनाफा कमाने के भी स्थिति में आ गए हैं और वो मुनाफा कमा करके अपना पैसा निकाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर ज्यादा कम से कम आज की स्थिति में भारतीय बाजार पर देखने के लिए मिल रहा है। धीरेन्द्र कुमार शेयर बाजार एक्सपर्ट भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी, मेरा सवाल आपसे यही है, भारतीय शेयर बाजार में जिस तरह की हालत बनी हुई है कितनी चिंता का विषय है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार का बहुत ज्यादा असर हम इंडियन मार्केट में देख रहे हैं। धीरेन जी से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अमेरिका में ब्याज दर बढ़ाने की बात की जा रही है, और ये देखिए टाटा मोटर्स के भी शेयर्स को अगर आप देखें 31 जनवरी को एक शेयर की कितनी कीमत थी और अगर 100 शेयर आपके पास हैं कितनी कीमत थी और अभी वो साफ तौर पर घट गया है। 4,00,000 अगर 100 शेयर्स की कीमत थी टाटा मोटर्स के तो वो अब घट करके 36,800 पर पहुंच गई है। ऐसे 31 जनवरी को अगर हम देखें तो इंफोसिस के शेयर्स भी आप देख सकते हैं, 100 शेयर्स की अगर बात की जाए तो 1,15,900 इनकी कीमत थी जो घटकर 1,11,900 हो गई है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट लगातार जारी है। बजट के बाद से लगातार पिछले छह दिन से शेयर बाजार गिर रहा है। रिलायंस के शेयर्स को भी देखिए 95,000 31 जनवरी 100 शेयर अगर आपके पास रिलायंस के थे, अभी ये कीमत घटकर 88,200 पर पहुंच गई है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।